का नाम बताओ। राम सबत निषाद, लगभग 85-90 में लगभग मैं चालू हुआ, 30-35 साल लगभग हुआ। आप जब बचपन में छोटे थे तो आप गोला खाते थे क्या? अरे हमने खाया तब ना सीखा, खा के ही सीखा हूँ ना यार। अरे गोला खाते दोस्तों के साथ, मतलब खाते खाते अच्छा लगा, अपन भी उधर सीख गए। सीखने के बाद अपन बिजनेस का हम भी चालू कर दिए। अपन भाई बिजनेस चालू किया, कमाएंगे कुछ, आगे बढ़ेंगे कुछ, इससे हो सकता है अपना परिवार चलेगा, कमा के आगे बढ़ाएंगे कुछ, अपन प्रॉपर्टी बनाएंगे, ये सब चल रहा है धीरे धीरे। सबसे बढ़िया है अपना बिजनेस, अपना जब दिल में आए करो ना, घर में आराम करो। नौकरी थे नहीं यार, जाएगा वहाँ डांट मिलेगी, आज आया नहीं, गैर हाजिर। अपना है 10 मिला 100 मिला 50 मिला, अपना अपनी मर्जी का चीज, कोई कुछ इसमें बोलने वाला नहीं। ऐसा है मार्च अप्रैल मई 3 महीना सीजन थोड़ा अच्छा रहता है, उसके बाद छोटी सीजन जो है अक्टूबर नवंबर रहता है, ये दो अपना 4-5 महीने का सीजन समझ लो है। इसी में अपना खर्चा पानी निकाल लेते हैं, उसके आगे अपना दूसरा कुछ करते हैं 4 महीने बारिश का, खेती बाड़ी और बिजनेस कोई अपने गांव में खेती बाड़ी करते हैं, नहीं तो और कुछ बिजनेस करते हैं, साग सब्जी है सर। गांव में मतलब परिवार के साथ रहते हैं? हाँ। गांव ज्यादा अच्छा लगता है या शहर ज्यादा अच्छा? अपने दोनों अच्छा लगता है, क्यों कि थोड़ा दिन यहाँ रहेंगे, यहाँ हवा हवान बदली होता है, कुछ दिन वहाँ रहेंगे, अपने को अच्छा लगता है, घूमे आने जाना लगा रहता है तो कंटाल नहीं आता, अच्छा लगता है। एक ही जगह रहेगा आदमी कंटाल जाता है। सब यही कॉलेज बच्चे लोग, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे लोग अच्छे, यही सब हैं। सबसे ज्यादा मस्ती कौन करता है आपके घर? मस्ती यही बच्चे लोग, स्कूल के बच्चे लोग मस्ती करते हैं। मतलब चालू किया, गाड़ी लिया, मशीन लिया, सब जुगाड़ किया, कोई परेशानी नहीं है, धीरे धीरे सब हो गया। हमारा एरिया नाम दत्ता नगर, आयरे रोड, सुजमवाड़ी, स्वामी स्कूल के पास में। अपने पास लींबू शरबत, काला खट्टा, ऑरेंज, मैंगो, जूस, कोल्ड ड्रिंक, गोला, चम्मच गोला, कांडी गोला, यही। सबसे पहले हमने 4 आना से स्टार्ट किया, 4 आना, 8 आना, 1 रुपये, 2 रुपये, ऐसे। आज सादा में कम से कम 15 रुपया है, 20 रुपया है, ज़्यादा बाहर तो ज़्यादा हम, लेकिन कम भाव में रखते कि यहाँ हम जूने हैं, बच्चे अपना वही आते हैं रोज, आने वाले हैं, बाहर के यहाँ पब्लिक है नहीं, इसके लिए। बोर हो गए तो आप खुद खाते हो क्या गोला कभी? अरे हम भी खाते हैं कभी, बोर हो गया, टाइम है, ग्राहक नहीं है, टाइम पास हम भी खा लेते हैं, पी लेते हैं। आप कौन सा गोला खाते हो भाई? हम लोगों को खिलाएंगे तो हम क्यों नहीं खाएंगे, हाँ शरबत पियेंगे, चम्मच गोला खाएंगे, लींबू शरबत पियेंगे, जो खिलाते वही हम भी खाते। मूड के हिसाब से? हाँ अभी गर्मी में भाई कस्टमर नहीं खाली है तो हम भी थोड़ा पीते हैं, ऐसा है। सुबह 11 बजे आते हैं, शाम को 8 बजे जाते हैं। खाना कभी खाते हो बीच में? सुबह 11 बजे, फिर रात को 10:30-11 बजे, बीच में फिर 4-5 बजे नाश्ता पानी हो जाता है कुछ लगेगा तो। बिजनेस करना चाहते हैं हम तो बोलेंगे करें, छोटा या बड़ा बिजनेस 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 होता है ना, नौकरी सच्चा रहता अपने मन के रहता है, अपनी इच्छा अनुसार रहता है, दिल में आया करो नहीं, घर में आज आराम करो, कोई बोलने वाला नहीं, किसी का बात सुनने को नहीं मिलेगा, ऐसा है। पहले तो कम से कम नहीं तो 4-5 हज़ार में हो जाता था, अभी तो कम से कम नहीं तो अगर चालू करने जाएंगे सही सलामत तो 50 हज़ार के नीचे नहीं लगेगा। गाड़ी बनाएंगे, मशीन लाएंगे, सामान लाएंगे, टाकी लाएंगे, पूरा व्यवस्था करने में 50 हज़ार लगेगा, अच्छा से जाए करेंगे तो। अंकल का टेस्ट अच्छा रहता है बहुत, तो इसलिए हम जूने कस्टमर है ना इनके, जब जब आते तब इनका गोला बहुत अच्छा रहता है, पूरा बिल्डिंग वाले इनसे ही रहते हैं हमारे। मैं बहुत साल पहले आया था, जब मैं छोटा था तब आया था एक बार। इनको सबसे अच्छा फ्लेवर कौन सा लगता है? काला खट्टा। अरे फ्लेवर खत्म हुआ? नहीं और बाकी है, 25 को खत्म होगा। हाँ ये मशीन हम लिया था 2010 में। ये हो जाने के बाद अपनी गाड़ी किधर रखते हो? घर के बाहर रोड पे रहता है, घर के क्योंकि घर मेरा अंदर है और खड़ी करने की जगह नहीं, रोड पे ही लगाता हूँ, खाली कर देता हूँ, गाड़ी खाली रहता है, लॉक मार देता हूँ, मशीन भी घर में। हाँ सब 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 उठा के घर में रख देता हूँ।
अभी कस्टमर नहीं रहेंगे, बर्फ का पूरा नुकसान हो जाता है, गल जाता है, पिघल जाएगा। अगर ग्राहक नहीं मिला तो गल जाता है। बर्फ हमारा फैक्ट्री वाला आता है, घर पे डाल के जाता है, धंधे पे डाल के जाता है। हाँ, फैक्ट्री से माल लेके आता है, डाल के जाता है, सुबह दोपहर शाम तीन टाइम, जब जितना लगा अपन फोन करेंगे तो अपने पास पहुँचा दे। नहीं, छुट्टी दिन क्या, उस दिन बोल देते हैं हाँ भाई आज नहीं लगेगा, मत लेके आओ।